अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी का कलेजी, पोटा और दिल तकरीबन 1.5 किलो के करीब हमने ये लिया है और इनको छोटे छोटे पीसों में काट लें। अदरक, लहसुन 1 चम्मच अदरक और चंद जवे, 2 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्ची, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 1 बड़े साइज़ का हरा प्याज, अगर हो तो डालें, नहीं है तो छोड़ दें। इन दोनों चीज़ों को पीस लें, पेस्ट बना लें। बाकी ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट बनाएं। इसके पेस्ट के साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, 1 चम्मच हल्दी डाल दें, 1 टीस्पून और 1 चम्मच और 1/2 चम्मच सिरप मिर्ची डाल दें। तो जितनी आपको लगता है मुनासिब आपके लिए है उतनी आप उसमें सुरख मिर्ची डाल दें। ये जब इसको ग्राइंड करें तो साथ में ये सारी चीज़ें भी ग्राइंड करें। इसमें तकरीबन 1/2 कप आपने घी डाल देना और जो पेस्ट बनाया अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देना। कलर आने लगे तो इसमें जो पेस्ट बनाया है ग्रीन मसाले का वो आप इसको भूने, उसके बाद आपने इसमें कलेजी डाल देनी है। कलेजी, पोटा, तीनों चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। दिल, गर्दन भी इसमें शामिल करें, गोश्त का थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि ये सिर्फ कलेजी का टेस्ट फिर अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी गर्दनें अगर आप डाल देंगे तो उसके साथ गोश्त का टेस्ट है वो भी साथ के ऐसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने देना। 10 मिनट के बाद इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त आ जाएगी। इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डालें,